शेर ने कहा कि तुम्हें पता है पीछे कौन है? संध्या। कहा क्या संध्या? अपने आप को तो आप पहचानिए साहब। मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए। तो आए कल जो है जल यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में हम लोग भाग लेंगे, लेकिन दूरी बनाकर। ये जो तीर्थ हम तो अध्यक्ष महोदय से और समिति वाले सारे और ग्रामवासियों से कहूँगा कि दूरी बनाने में एक दिन तैयारी कर दें कि दूरी बना के दूरी बना करके बैठे, और किन्हीं बड़े बुजुर्गों को यदि प्रणाम ही करना हो तो दूर से ही प्रणाम करें तो बड़ा लाभ होगा। ये सब आदत हम लोग को बनाना पड़ेगा जब तक ये महामारी चल नहीं जाए। हमेशा एशिया के भर ही नहीं और आगे भी जब तक ये बीमारी का घेरा में हम लोग रहते हैं, पूरे ग्रामवासी उसका अक्षरशा पालन करें और समय का ध्यान दें, क्योंकि साधारण काम आप लोग नहीं कर रहे हैं। इतना कि आपका साथ संभालो, हमसे ये जो काम आपका है और आप संभालिए, जगह घुमाइए। किसी कारणवश यदि चंदा लिखवा करके या बोल करके यदि नहीं दी हो तो साहब अपने घर से चल के आकर के समिति में प्रदान कर दें, उसका और ही महत्व होता है। क्योंकि पैसा के बिना तो कुछ होगा नहीं। तुलसी बाबा ने लिखा है कि बिन धन धर्म न होई अगेसा। अभी वचन करने से तो पहले आ रही है, आप लोगों को वचन सुनाएंगे, लेकिन ये सारे समस्या के समाधान के लिए मैं एक घंटा पूर्ण घंटा आप लोग का मान करना करने का प्रयास मैं करूँगा कि भाई मेरा परिवार मैं आपका अन्नधा खाऊंगा। आज तो आप हमारे सारे परिवार आप हमारे लिए समझदार हो, क्योंकि आपके गाँव का मैं माटी नहीं जा रहा हूँ और आप लोग अच्छे हैं। दो बार के नाम और हमको पवन